आखिर बिग बॉस के फैनाले के वोटिंग में दूसरे दिन कौन चल रहा है सबसे ज्यादा, अभी तक किसको सबसे ज्यादा वोट मिल चुके, कितने कितने वोट मिले, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ जो एक रिपोर्ट निकल कर आई। क्योंकि जिस तरह से मतलब वोटिंग चालू बिग बॉस OTT की, मतलब भयानक तरीके से, मतलब भर भर के वोट कर रहे, कई सारे मोबाइल लेके बैठ रहे अपने फैमिली के अपने रिलेटिव और भर भर के अपने मनपसंद खिलाड़ी को वोट कर रहे। लेकिन ऐसे में आज दूसरा दिन चालू और अभी कौन चल रहा है सबसे आगे और कौन चल रहा है सबसे पीछे और अभी किसको कितने वोट मिल चुके, मैं आपसे कुछ खिलाड़ियों के बताने वाला जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है। लेकिन उससे पहले आपसे मुझे रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे इंस्टा में फॉलो नहीं किया होगा तो थोड़ा बहुत वहाँ भी सपोर्ट कर दीजिए, वहाँ भी फॉलो कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए वहाँ बहुत सारी अपडेट लाते रहता हूँ स्टोरी के अंदर, मतलब यहाँ से पहले आप सभी वहीं अपडेट मिलती रहती है। तो आपको लिंक इसके मिलेगी भाई कि मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे दिन सबसे ज्यादा वोट अभी तक किसे मिल गया, मैं दूसरे दिन की क्या रिपोर्ट निकल कर है आपको बता दूँ। दूसरे दिन जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, मैं आप सभी को तीन लोगों के वोटिंग बताने वाला हूँ किसको कितने वोट मिल चुके, मतलब जो रिपोर्ट के हिसाब से। तो आपको सबसे पहले बता दूँ बेबी का भी सबसे आखिरी पर है, पूंजा भट्ट उसके ऊपर यानी कि चौथे नंबर पर है, और अगर आप बात करेंगे मनीषा रानी की तो मनीषा रानी को इस रिपोर्ट के हिसाब से अभी तक जो वोट मिल चुके 8,60,000 प्लस को छोड़, यानी कि 8,60,000 वोट मिल चुके जो कि आप सभी को साइड में दिख ही रहूँगा। लेकिन ऐसे में बात करेंगे इस रिपोर्ट के हिसाब से, ये रिपोर्ट में कहीं ना कहीं मैं आपसे बता दूँ मुझे थोड़ा बहुत डाउट नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे नंबर पे इलविश यादव को बताया था, यहाँ पर इलविश यादव को जो वोट मिले 40,07,000 प्लस को छोड़ जो कि आपको साइड में दिख ही रहूँगा। और अगर आप बात करेंगे पहले नंबर की, यहाँ पर पहले नंबर फुकरा इंसान को, हालांकि दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं बताया गया, 40,12,000 वोट मिले फुकरा इंसान को, यानी 2 या 3 हज़ार का फर्क ही दिख रहा है यहाँ पर। अगर आप बात करेंगे ये सारी रिपोर्ट की तो यहाँ पर फुकरा इंसान सबसे अव्वल है, ज़्यादा अंतर नहीं, इक्वल है दोनों भी, इलविश यादव फुकरा इंसान, और ऐसी कई सारी रिपोर्ट भी निकल कर यहाँ पर इलविश यादव फुकरा इंसान को इक्वल वोट मिले, क्योंकि जो पांडा गैंग जो इलविश यादव की आर्मी ना इतने जोरों शोरों से भिड़ी ना, मतलब किसकी भी मोबाइल ले रहे दपादप वोट कर रहे, मतलब उनको कोई मतलब नहीं अपने, मतलब अपने मनपसंद खिलाड़ी को जिताना उन्होंने ये मान लिया, ये काम ले लिया। मतलब अभी तक जितना क्रेज देखने को मिला ना बिग बॉस OTT के अंदर, अभी तक इतना क्रेज किसी के मतलब कोई भी शो के अंदर नहीं देखने को मिला, कोई भी रियलिटी शो के अंदर इतना क्रेज नहीं देखने को मिला। मतलब लोग भर भर के सपोर्ट कर रहे हैं, भर भर के वोट कर रहे हैं, और यकीन मानिए अगर इन दोनों में से एक विनर नहीं बना तो सोशल मीडिया पे तबाही हो जाएंगी, सोशल मीडिया पूरा बर्बाद कर देंगी पब्लिक, मतलब इतना हंगामा करेंगी कि बेसाप। लेकिन दोनों में से एक विनर बनना तो तय है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है दोनों में से विनर कौन बन सकता है, फुकरा इंसान या इलविश यादव, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि लोगों तक वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे।